गुजरे जमाने के सुपरस्टार राजेश खन्ना एक समय पहले इतने ज्यादा फेमस थे कि कहा जाता है कि औरतें अपनी खून से लिखी प्रेम पत्र से राजेश खन्ना से अपनी प्यार का इजहार करते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजेश खन्ना ने अपने रियल लाइफ में जिनसे भी उन्होंने प्यार किया है उन्हें हमेशा अपने प्यार में दर्द, धोखा और हार का सामना करना पड़ा है। फिल्मों में भले ही इन्होंने लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में राज किया हो, लेकिन इनकी निजी जिंदगी इन्हें अकेले ही काटनी पड़ी है। डिम्पल कपड़िया के साथ शादी करने से पहले राजेश खन्ना फैशन डिजाइनर और एक्टर अंजू महेंद्रू के प्यार में गिरफ्तार थे और राजेश खन्ना अंजू महेंद्रू से इतने बेपनाह मोहब्बत करते थे कि राजेश खन्ना ने अंजू महेंद्रू के लिए एक आलीशान बंगला तक खरीद के दे दिया था और साथ ही दोनों उस जमाने में एक साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहते थे। राजेश खन्ना अंजू महेंद्रू के लिए बहुत ज्यादा सीरियस थे और वो उनसे शादी तक करना चाहते थे। और दूसरी तरफ अंजू महेंद्रू के लिए कहा जाता है कि वो राजेश खन्ना के नाक के नीचे से वेस्ट इंडीज क्रिकेटर गैरी सोबेस के प्यार में गिरफ्तार थे और दूसरी तरफ राजेश खन्ना अंजू महेंद्रू के साथ सगाई करना चाहते थे। लेकिन एक तरफ अंजू महेंद्रू और वेस्ट इंडीज क्रिकेटर गैरी सोबेस भी दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ गए थे और जब राजेश खन्ना को पता चला अंजू महेंद्रू के इस धोखे के बारे में तब राजेश खन्ना का दिल ही बैठ गया। झगड़े कलेश होने लगे लेकिन अंजू महेंद्रू ने वेस्ट इंडीज क्रिकेटर गैरी सोबेस के साथ सगाई कर ली थी। लेकिन बाद में कहा जाता है कि अंजू महेंद्रू और गैरी सोबेस की सगाई भी टूट गई थी। लेकिन सुपरस्टार राजेश खन्ना इस बात को भूलते हुए अपने से 15-16 साल छोटी डिंपल कपाड़िया से शादी कर ली। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई। साल 1973 में मुंबई के तपती गर्मी में डिंपल कपाड़िया के साथ शादी करने के लिए जब उन्होंने बारात निकाली तब उन्होंने बारात का रास्ता मोड़कर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड अंजू महेंद्रू के घर के बगल से उन्होंने बारात निकाली ताकि अंजू महेंद्रू भी ये समझ सके कि उन्होंने किसको ठुकराया है। लेकिन जब राजेश खन्ना ने डिंपल कपाड़िया से शादी की तब राजेश खन्ना जी को ये लगा कि वो डिंपल कपाड़िया के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी पाएंगे। लेकिन राजेश खन्ना जी की किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया करीब 9 साल तक एक दूसरे के साथ रहे और उनकी दो प्यारी बेटियां भी हुई ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना और शादी के 9 साल बाद ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। हालांकि इन दोनों की तलाक नहीं हुई थी लेकिन कहा जाता है कि डिंपल कपाड़िया और सनी देओल कई सारी फिल्मों के दौरान दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार कर बैठे। 2012 को राजेश खन्ना ने डिंपल कपाड़िया को तलाक दे दिया था जबकि 1982 में ही दोनों अलग हो गए थे और राजेश खन्ना जी का निधन भी 18 जुलाई 2012 को ही हुआ है। तो खैर आप इस कलाकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।